फ्रेंड्स हम लोग एलटीआई सिस्टम सिग्नल सिस्टम का सेकंड चैप्टर एलएनबी ओपीडीएम का सॉल्यूशन कर रहे थे। थोड़ा माफी चाहूंगा, दो तीन दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सिग्नल सिस्टम का 12th क्लास का वीडियो अपलोड कर रहा था, तो 2.1 से लेके 2.20 तक का हमने सॉल्यूशन देखा करके, सभी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एलटीआई सिस्टम लिस्ट में जाइएगा तो सारे वीडियो आपको अवेलेबल होंगे, एलटीआई सिस्टम 1-11 तक का। अब इस वीडियो में हम 2.20 से आगे, अब वेट करिए, एडवांस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होंगे। 2.40, 2.41 पूरे एलएनबी ओपीडीएम का हम सीरीज में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 2.21 का ए पार्ट है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। मतलब कंप्यूट द कन्वोल्यूशन yn इक्वल टू डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन है xn कन्वोल्यूशन ऑफ hn, xn गिवन है अल्फा टू डी पावर n un और hn गिवन है बीटा टू डी पावर n un। एक बार और रिवाइज कर दें, yn अगर xn कन्वोल्यूशन ऑफ hn है तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ to ∞ xk hn माइनस k, ये फॉर्मूला होता है। मतलब xn से हमें xk फाइंड करना और hn से hn माइनस k फाइंड करना, वो तो देख चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन में कि रिवर्स भी करते हैं उल्टा भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रिजल्ट आना है। तो xn फाइंड करने के लिए पहले un फाइंड करना पड़ेगा। un इक्वल टू 1 होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, 0 अदरवाइज। तो xn अगर हम फाइंड करेंगे, xn मतलब अल्फा टू डी पावर n को un से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो वैल्यू है un की, दो पार्ट में वैल्यू है, अल्फा टू डी पावर n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा टू डी पावर n आएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। अल्फा टू डी पावर n 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज। मतलब इसको हम देखें, तो यहां से xk लाया जा सकता है, xk इक्वल टू अल्फा टू डी पावर k, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। सेम इसी तरीके से hn होगा बीटा टू डी पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इवन है तो n ग्रेटर देन 0 पे भी होगा और 0 अदरवाइज। यहां से hn माइनस के अगर फाइंड करते हैं, n रिप्लेस वाई, n रिप्लेस्ड वाई n माइनस के, n को n माइनस के से रिप्लेस करेंगे तो बीटा टू डी पावर n माइनस के, n माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा, 0 अदरवाइज। मतलब इसको लिख सकते हैं hn माइनस के को बीटा टू डी पावर n डिवाइड बाय बीटा टू डी पावर k, k लेस देन इक्वल टू n के लिए 0 अदरवाइज। फॉर्मूला देखें तो xk को hn माइनस k से मल्टीप्लाई करना है, xk hn माइनस k दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके -∞ से ∞ तक सम करना है। मल्टीप्लाई करते समय हम ये ध्यान देखेंगे कि xk चेंज हो रहा है, xk में ब्रेक पॉइंट है, तो 0 के पहले xk की कुछ और वैल्यू है, 0 के बाद कुछ और वैल्यू है, और hn माइनस k भी चेंज हो रहा है, n के पहले कुछ और वैल्यू है, n के बाद कुछ और वैल्यू है, तो इसके ब्रेक पॉइंट को कंपेयर करवाना पड़ेगा इसके ब्रेक पॉइंट से। मतलब n मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू रिजल्ट n लेस देन 0 पे कुछ अलग होगा और इसका अपर लिमिट अगर इसके अपर लिमिट से आगे चला जाएगा तो कुछ और वैल्यू होगा। जैसे डायग्राम से इसको ग्राफिकली समझेंगे तो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। मतलब xk का हम ग्राफ बना लें, तो 0 पे k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 है, 1 पे अल्फा है,
अल्फा ग्रेटर देन वन या लेस देन वन ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा, अभी छोटा लेके चल रहे हैं, टू पे अल्फा स्क्वायर डायग्राम तो कुछ भी, या नहीं तो कुछ नहीं बनाइए, डायग्राम लगा दीजिए अल्फा टू डी पावर के कर लीजिए, बड़ा या छोटा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, प्रॉब्लम में दिया है कि अल्फा वन से बड़ा है या अल्फा वन से छोटा है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल होगा, आप डायग्राम लगा के अल्फा टू डी पावर के लिख सकते हैं। अब एच एन माइनस के मतलब एन के पहले ए वाली वैल्यू है और एन के बाद जीरो है, तो एन को हम पहले जीरो के पहले रखेंगे, एक बार जीरो के बाद रखेंगे, क्योंकि जीरो के पहले रखने पे हम हमारा मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कुछ और आएगा, और जीरो के बाद अगर एन को रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कुछ और आएगा। तो केस वन हम लेके चलते हैं, दो केस में बनेगा एन लेस देन जीरो, एन लेस देन जीरो इसी के जस्ट नीचे हम एच एन माइनस के का डायग्राम बना रहे हैं, एच एन माइनस के में बाई एक्सिस हम नेट डालते हैं, उसका रीजन ये है कि इसका अपर लिमिट वेरिएबल है, एन आपका वेरिएबल है, तो जीरो किधर है, एन जीरो से बड़ा है जीरो से छोटा है वो मैटर नहीं कर रहा है, के की वैल्यू अगर इनपुट करेंगे तो बीटा टू डी पावर एन डिवाइड बाई बीटा टू डी पावर एन वन हो जाएगा, और एन के पहले एक ऐसा है हमें मतलब नहीं है, हर केस में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम लगा दें काम आपका चल जाएगा, मैं कन्वोल्यूशन निकालने से मतलब रखना चाहिए, बीटा टू डी पावर एन एन माइनस के लिख दें कोई दिक्कत थोड़ी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एच एन माइनस के, एक बार फिर से मैं पूरे स्टेप्स लेके मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस इंफिनिटी से एन, एन से जीरो और जीरो से इंफिनिटी, तीन पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एन, माइनस इंफिनिटी से एन तक एक्स के की वैल्यू जीरो है, माइनस इंफिनिटी से एन तक एच एन माइनस के की वैल्यू बीटा टू डी पावर एन माइनस के है, प्लस समेशन ऑफ के इक्वल टू एन टू जीरो, एन टू जीरो एक्स के भी जीरो है और एच एन माइनस के भी जीरो है, प्लस समेशन ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी एक्स के की वैल्यू अल्फा टू डी पावर के है और एच एन माइनस के जीरो है, जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इसमें ध्यान देने वाली बात है कोई एक वैल्यू भी मल्टीप्लाई में जीरो होगी तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट 2.21 से स्टार्ट करते हैं ओपिनियन बनाना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा करवाया जाता है, इसलिए 2.21 के पहले प्रॉब्लम को हम थोड़ा डिटेल में समझाया कि एक्स के या एच एन माइनस के मल्टीप्लाई करते समय कोई एक वैल्यू भी जीरो होगी तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो हम जो लिमिट आगे के केसेस में या आगे के प्रॉब्लम में करेंगे सिर्फ वो वाले लिमिट को लिखेंगे जिसमें एक्स के भी नॉन जीरो है और एच एन माइनस के भी नॉन जीरो है, जहां पे दोनों नॉन जीरो होगा सिर्फ उस रेंज में हम सम करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे अगर कंटिन्यूअस है तो, बाकी रेंज को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे ये रीजन आप समझ चुके हैं कि मल्टीप्लाई में एक भी जीरो होगा तो रिजल्ट जीरो आना है। तो एक केस वन का रिजल्ट जीरो आ गया। अब केस टू देखते हैं, जब n वेरिएबल है, n वेरिएबल है तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है, हर केस के लिए हमें करना है, जीरो के पहले कहीं भी n होगा तो रिजल्ट सेम ही आना है, इसलिए एक साथ हमने डील किया। अब जीरो के बाद हम कहीं भी n को लिखेंगे रिजल्ट सेम आएगा, तो उसको एक पूरे केस में कंसिडर करेंगे। तो केस टू हो गया n ग्रेटर देन जीरो, उसका डायग्राम बनाते हैं, एक्स के तो चेंज नहीं होगा, एक्स के का वही डायग्राम रखते हैं, एच एन माइनस के में एन राइट साइड में चला जाएगा, बीटा टू डी पावर एन माइनस के। अब आप बताइए ये समेशन हम कहां तक करेंगे, कौन से लिमिट में करेंगे, इधर करने की जरूरत है क्या, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा, इधर एन के राइट साइड में भी एच एन माइनस के जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, मतलब कॉमन रीजन ना, अगर देखें तो जीरो से एन तक ही है जहां पे दोनों नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है,
तो जीरो से एन तक ही हम समेशन का लिमिट रखें तो ज्यादा अच्छा है। के इक्वल टू जीरो टू एन एक्स के एच एन माइनस के, एक्स के की वैल्यू है हमारे पास अल्फा टू डी पावर के और एच एन माइनस के की वैल्यू है बीटा टू डी पावर एन माइनस के। बस इसका समेशन करना है के टर्म में, देखिए कैसे करें। ये हो जाएगा k इक्वल टू जीरो टू एन अल्फा टू डी पावर के इंटू बीटा टू डी पावर एन डिवाइड बाई बीटा टू डी पावर के, बीटा टू डी पावर एन कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, k इक्वल टू जीरो टू एन अल्फा बाई बीटा टू डी पावर के। अब डिस्क्रीट का समेशन का फॉर्मूला बताए थे, समेशन ऑफ k इक्वल टू ए टू बी एक्स टू डी पावर के का फॉर्मूला होता है x टू डी पावर लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। x टू डी पावर फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के बाहर x टू डी पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब इसी फॉर्मूले को बहुत सारे लोग दूसरे टर्म में भी लिखते हैं, हम ए टर्म यूज करके चलेंगे क्योंकि सिंगल सिस्टम में फॉर्मूले को अगर इस टर्म में लिखेगा तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा। तो हमने फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा है और इस फॉर्म में ही हर जगह चाहे जेट ट्रांसफॉर्म हो चाहे डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म हो, फॉर्मूले को इस फॉर्म में ही हम यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सेव होगा। बीटा टू डी पावर एन ये हो गया एक्स के जगह पर अल्फा बाई बीटा है टू डी पावर जीरो, अल्फा बाई बीटा टू डी पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन माइनस वन अल्फा बाई बीटा माइनस वन, ये हो गया। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दे रखा है तो लिमिट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, अगर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नहीं दिया रहता तो ये इसकी वैल्यू है ना, चूंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा पे, न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा पे एल हॉस्पिटल रूल वगैरह निकाल के लगा के इसको सोल्व करना पड़ता, वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, अल्फा इक्वल टू बीटा पे लिमिट सोल्व करके वैल्यू आएगी, कुछ बुक में ऐसा भी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा देके हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। आगे वैसा भी एक प्रॉब्लम आएगा उसमें देखेंगे लिमिट से कैसे सोल्व करेंगे। बीटा टू डी पावर एन डिवाइड बाई अल्फा बाई बीटा टू डी पावर एन प्लस वन हो गया माइनस वन, इधर एलसीएम ले लें तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा ए बन जाएगा। बीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा टू डी पावर एन प्लस वन हो गया अल्फा टू डी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई बीटा टू डी पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, बीटा टू डी पावर एन प्लस वन एलसीएम ले लू, बीटा टू डी पावर एन प्लस वन एलसीएम में ले लू तो अल्फा टू डी पावर एन प्लस वन माइनस बीटा टू डी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा टू डी पावर एन प्लस वन माइनस बीटा टू डी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू आ गई। अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करेंगे तो फिर ये अनडिफाइन आ गया, तो लिमिट के फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर लेंगे अगर अल्फा इक्वल टू बीटा पूछा है तो। फाइनल हम बाइन की वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू आया अल्फा टू डी पावर एन प्लस वन माइनस बीटा टू डी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा फॉर एन ग्रेटर देन जीरो के लिए और जीरो फॉर अदरवाइज एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, एन लेस देन जीरो वाले में तो एन इक्वल टू नहीं था, ये भी हम बता चुके हैं कहां इक्वल टू लगाएंगे कहां इक्वल टू नहीं लगाएंगे। एन ग्रेटर देन जीरो पे जो वैल्यू होती है उसको इवन के साथ लिखते हैं, एन प्लस वन
माइनस बीटा टू डी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा यूएन लिख सकते हैं इसको, ये आंसर आ गया। आसानी से आपने सोल्व कर लिया इसको। तो आपने 2.21 का ए पार्ट आपने किया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2.21 का बी पार्ट। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर भी करें दूसरे को, जिनको जरूरत है, जहां भी जरूरत है उनको अगर मिल जाए सोल्यूशन अच्छी तरीके से तो उनके लिए काम ही आएगा।